श्री रामभद्राचार्य जी महाराज दारानगर कस्बे में 241वें रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला के मुकुट पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति व तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भारत देश जैसी मर्यादा कहीं नहीं दिखी। रावण प्रवृत्ति के लोग मर्यादा का पालन नहीं करते। महिलाओं का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा, गलत करने वालों को कठोरतम दंड मिलेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, फिर भी महिलाओं के साथ गलत करने वालों को योगी जी उचित दंड दे रहे हैं। संत समाज के साथ गलत करने वालों को ईश्वर दंड देंगे। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने रामलीला के माध्यम से समाज को संदेश देते हुए कहा कि बचपन को प्रबद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापे को सिद्ध करो। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज दारानगर कस्बे में 241वें रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला के मुकुट पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुँचे थे। रामलीला का आयोजन तो लगातार होता आ रहा है, जगह जगह हो रहा है, दारानगर में भी शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी है या और भी लोग हैं इसके मर्यादा को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। आत्मसात बहुत कर रहे हैं। जब 130 करोड़ जनता है, आप जानते ही हैं, जहाँ राम जी का दल होता है वहाँ रावण भी तो आता है ना। जो रावण प्रकृति के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मर्यादा तो है ही है। भारत देशी मर्यादा कहीं आज तक हमने नहीं देखी है। थोड़ा हो जाता है, उसका भी समाधान होगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है, अब महिलाओं का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा और उच्छृंखलों को कठोरतम दंड दिया जाएगा। अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, योगी जी की सरकार है प्रदेश में, लेकिन आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, छोटी बच्चियों से लेकर बड़े मैंने आपका उत्तर पहले दे दिया, इतना बड़ा प्रदेश है, पर अब कैसा कुछ नहीं होगा, हम आपको वचन दे रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ, बहुत उचित दंड दिया भी योगी जी ने, बहुत उचित दंड दिया। महाराज जी, संत समाज समाज के लोगों को भाईचारा या अच्छे अच्छे संदेश देता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व तो संत समाज के ऊपर भी इस समय हमला कर रहे हैं। उनको ईश्वर दंड देंगे, आप चिंता, संत तो सहते आए हैं ना, आप जानते नहीं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और ते सहा न जाए। महाराज जी, अपनी तरफ से समाज को कोई संदेश देना चाहे राम लीला के साथ? मैं तीन बातें कहूँगा। बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो, यही मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।